नमस्कार साथियों, वेन आई एस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्री 2022 की परीक्षा जो है 21 मई 2023 को प्रपोज्ड है, और अभी तक आप लोग अन्य परीक्षाओं से अपने मुक्त हो चुके होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो अन्य परीक्षाएं अभी आयोजित हो रही थी, जैसे कि पटवारी, लगभग अधिकांश लोगों के पेपर जो हैं वो हो चुके हैं। तो अभी सभी का फोकस होगा 2022 MPPSC प्रीलिम्स पर, क्योंकि सभी का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से जो मुख्य सूची बनेगी प्री के रिजल्ट की, यानी 87% की जो सूची बनेगी, उसमें आप शामिल हों। तो उससे होगा ये कि आपका मनोबल अच्छा रहेगा, आप ये भी समझेंगे कि हाँ, मुझे अब मेंस की तैयारी करना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत होगी। और अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है, आज है 25 अप्रैल और 21 मई को पेपर है। तो अगर देखें, मोटा मोटा हम लोग देखें अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, और इन 25 से 26 दिनों में हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन और फास्ट रिवीजन। इसीलिए वेन आई एस पर एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग ने नाम दिया है रैपिड रिवीजन सीरीज़। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जितने भी जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, आप जानते हैं 10 यूनिट्स हैं, उन 10 के 10 यूनिट्स के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए, 2020 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से यह देखा गया है कि लगभग सभी यूनिट से बराबर प्रश्न आ रहे हैं। हो सकता है किसी यूनिट से, मान लीजिए कि 6 प्रश्न पूछ लिए गए हों, 10 न पूछे गए हों, और कहीं से 12 या 14 पूछ लिए गए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक विगत 2 सालों में कि किसी यूनिट से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सभी यूनिट्स को हमें बराबर तवज्जो देनी होगी, बराबर का इम्पोर्टेंस देना होगा, और इसीलिए फास्ट रिवीजन की आदत डालिए। जितनी जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, ऑप्शंस को देखने के बाद कंफ्यूज होने की। पहली बार दिमाग में सही विकल्प आता है, सही ऑप्शन आता है, और फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो समस्या है, अब 5 या 6 प्रश्न आप क्या करते हैं, उत्तर बदल देते हैं, जिसके कारण कई लोग कहते हैं कि वो प्रश्न गलत हो गए और फिर वो बाहर हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने का एकमात्र तरीका है फास्ट रिवीजन और जल्दी रिवीजन। जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना बढ़िया, मल्टीपल रिवीजन भी करना है। तो उसका एक तरीका यही है कि हम लोग यूनिट वाइज, मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट वाइज हम लोग कुछ MCQ लेकर के हैं जो कि सिलेबस पे बेस्ड होंगे, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी जो कंसेप्ट्स हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लें। कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो बहुत छोटा हो ताकि आप उसको देख पाएँ। चलिए, अगर हम लोग बात करें यूनिट 5 की, पिछले 2 सालों में, खासतौर से 2020 में, 21 में भी लगभग वैसे ही प्रश्न पूछे गए। पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़े से टिपिकल पूछे गए हैं, थोड़े से अलग तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य प्रश्न जैसे पहले पूछे जाते थे 2020 से पहले, वैसे नहीं पूछे गए। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसको लिया है। यूनिट 5 में आप देखेंगे सिलेबस में, तो एक है राज्यपाल यानी गवर्नर, दूसरा है मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय, सेकेंड पार्ट में है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। यहीं से कुल मिला के अपने को 10 से 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 12 जा सकते हैं, और नहीं तो 10 या 8 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसको कैसे हम लोग फास्ट रिवाइज करें, तो मैंने क्या किया है, इन सभी से कुछ प्रश्न ले लिए हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, देखिए ये सीरीज जो है नए लोगों के लिए उतनी मददगार नहीं होगी जितनी कि जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हों, और या फिर उन लोगों के लिए जो बहुत तेज़ी से फास्ट रिवाइज करना चाहते हैं। आप बिल्कुल अगर नए हैं तो भी आप इसको ध्यान से देखिए, हो सकता है कि इससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले और वो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ प्रश्न के रूप में मिल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सीधे। देखिए, जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वो राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप सब जानते हैं, है ना? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है।
अब उससे संबंधित क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कथन पूछा गया कौन सा सही है। जब आप प्रश्न एग्जाम में पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें और ये जरूर देखें कि क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है, और उसी के अनुसार आपको उत्तर चूज करना होता है। यहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार का पद है। गवर्नर इज अ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखते हैं, करते हैं चर्चा। दूसरा पढ़ लेते हैं पहले। राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ गवर्नर। थर्ड स्टेटमेंट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट बाउंड द गवर्नर टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चौथा आपको दिया गया, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस तरह का ऑप्शन देखने को हम लोग को अक्सर मिलता है। चलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, राज्यपाल का पद 153 आर्टिकल में मेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एजेंट के तौर पे काम करता है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अपॉइंटेड बाय यानी नियुक्ति प्रेसिडेंट, यानी इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और कब तक पद पे रहता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। तो एक पॉइंट यहां भी हम लोग जानते हैं, होल्ड्स द पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है। लेकिन यहाँ से आप ये डिराइव, ये एक मुद्दा था, नहीं कर सकते कि वो अधीन है या नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी। 1979 के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन पद नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक पद है और यह स्वतंत्र पद है। ठीक, तो एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1979, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। यह रोजगार का पद नहीं है केंद्र सरकार के अधीन। फिर राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को नहीं बल्कि किसको है, संसद को है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का अधिकार जो है संसद यानी कि पार्लियामेंट को है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है, ऐसा नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह यानी प्रधानमंत्री जिसके मुखिया होते हैं की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रावधान राज्यपाल के लिए नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, नहीं किया गया है। और प्रश्न में भी आपको क्या पूछा गया है, कहा गया है नहीं किया गया है, यानी कि यह स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। राष्ट्रपति के लिए तो बाध्यकारी बनाया गया कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा, सी। और ये डी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि उपरोक्त सभी, सामान्यतः यह मेंटेलिटी है कि, और MPPSC में सही भी होता है कि अगर तीन स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं तो, और चौथे में ये उन्होंने लिख दिया कि उपरोक्त सभी, तो सामान्यतः अभी तक देखा गया है कि उपरोक्त सभी सही होता है। लेकिन चूँकि ट्रेंड बदल रहा है, वो आपकी मानसिकता को समझ सकते हैं,
तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी वो डाल दें, विकल्प जानबूझ के डाल दें कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का वो है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म वर्तमान भारत के बाहर हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बॉर्न आउटसाइड प्रेजेंट इंडिया, जिनका जन्म आज का जो भारत है उससे बाहर हुआ था। इस तरह के प्रश्न अभी पिछले 2-3 सालों में देखने को मिले हैं कि उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, खासतौर से राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, इस तरह से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बारे में अगर आपने डीप में अध्ययन नहीं किया है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर तुक्का लगाना पड़ता है। पहला ऑप्शन दिया गया पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा बलराम जाखड़, डॉक्टर भाई महावीर, लालजी टंडन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखिए, उत्तर तो सही है डॉक्टर भाई महावीर। इनका जन्म हुआ था 1922 में लाहौर में, 1922 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अब इससे रिलेटेड कुछ जो ऑप्शंस भी रखे गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, और ये सबसे कम समय तक गवर्नर हैं अभी तक, सबसे कम समय तक। एक नवंबर 1956 से लेकर के ये जून 23 जून आई थिंक 23 जून 1957 तक रहे, तो बहुत कम समय था इनका, सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा, गवर्नर रहे। तो कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जिनको 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए पराजित किया था, हराया था उनको वोटिंग में, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की अध्यक्षता के चुनाव में पराजित किया था, अध्यक्षता के चुनाव में पराजित किया था। कब किया था? 1939 त्रिपुरी सम्मेलन में, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी जो कटनी के पास है मध्य प्रदेश में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये त्रिपुरी जो है कटनी के पास एक जगह है, 1939 में वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस उनके विरुद्ध चुनाव लड़े और उन्होंने इनको पराजित किया था। बाद में गांधी जी से मतभेद होने के कारण, क्योंकि गांधी जी ने इसे अपनी हार स्वीकार कर ली, सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया था, ये हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो इन्हीं से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ये भी थी, तो आपको तुरंत दिमाग में रिवाइज हो जाना चाहिए जब भी आप इनके बारे में पढ़ें, ये कौन थे और क्या। बलराम जाखड़ के बारे में आपको बता दूं, बलराम जाखड़ जो थे ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कब से कब तक? 1980 से लेके 1990 तक, और 2004 से लेके 2009 तक ये एमपी के राज्यपाल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष रहे हैं, तो वो बलराम जाखड़ हैं। डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म 1922 में लाहौर में हुआ था और ये 1998 से लेकर के 2003 तक एमपी के राज्यपाल थे। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन हाल ही में बने थे 2019 में और 2020 तक रहे ये। तो ये तीन इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब भी आप ऑप्शन पढ़ें तो उसको इस तरह से लिंक करके पढ़ें, उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को भी तुरंत रिवाइज कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब ये वाला प्रश्न मुख्यमंत्री से संबंधित है। अपने कार्यकाल की शपथ में मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, यानी देखिए दो तरह की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री, एक लेते हैं कार्यालय की शपथ, ऑफिस ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस, और दूसरा होता है ओथ ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता की शपथ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कार्यालय की शपथ के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्या शपथ लेते हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। अपने राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए, टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ हिज स्टेट, राज्य के लोगों की भलाई करने की, भारत के संविधान की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, टू अपहोल्ड द सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और उपरोक्त सभी। अगर आप इनमें से कोई एक होता तो शायद आप तुक्का में बैठा भी सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है आपका चौथा, ऑल ऑफ द अबव, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि सारे सही हो सकते हैं। ध्यान रखिए स्टेट की इंटीग्रिटी मायने नहीं रखती, स्टेट अपने यहाँ डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको आप रूप बदल सकता है, तो ये सही नहीं है। भलाई के लिए भी वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। जो सबसे सही विकल्प है वो है भारत के संविधान की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, तो ये जो विकल्प है ऑप्शन सी ये सही है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, दैट इज मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे या आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हु वॉज द फर्स्ट ट्राइबल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, निरंजन नाथ वाचू। अगर आपने ठीक से पढ़ा है मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था को तो आपको याद होगा ये राज्यपाल थे, ये क्या थे, राज्यपाल गवर्नर थे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे न कि मुख्यमंत्री, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। चिप्पूदिराम उथाना पुनाचा, ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और इनके बारे में खास चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना है कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके काल में लगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके काल में, यानी 1980 में जब सुंदरलाल पटवाजी मुख्यमंत्री थे, यह भी पूछा जा सकता। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद शुक्ला थे, श्यामाचरण शुक्ला थे। राजा नरेश चंद्र सिंह, ये सही जवाब है, ये 1969 में थे, 13 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक 1969, सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है, और यही पहले जो थे आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो थे ये बाद में बने, पर ये याद रखिएगा ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री भी थे, तो आपको जब भी पढ़ें तो उनसे जुड़ी चीज़ों को इसी तरह से आपको लिंक करना है, रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, अनुच्छेद पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। 163 आपको याद होने चाहिए, खास तौर से ये जो आर्टिकल्स हैं जो अपने सिलेबस में है, गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड आर्टिकल्स, विधानसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स, न्यायपालिका से संबंधित और पंचायती राज से संबंधित। तो 163 क्या कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए
मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री भी आ गया इसमें। 164 जो है ये मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान करता है। अगर आपको याद हो तो ये महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति का प्रावधान करता है। 167 जो है स्पेसिफिकली बात करता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर, अर्थात 167 अनुच्छेद जो है वह व्यवस्था करता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के जो कार्य है, जो भी उससे संबंधित सूचनाएं हैं, वो किसको प्रोवाइड करेंगे, किसको उपलब्ध करवाएंगे, मुख्य राज्यपाल को देंगे। यह मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को राज्य से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे उनके मांगे जाने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ड्यूटीज ऑफ सीएम स्पेसिफिकली। तो ये ध्यान रखना और ये आर्टिकल्स भी जरूर आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है? देखिए आर्टिकल 164 ये प्रावधान करता है कि कुछ राज्यों में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसका प्रश्न है, कि कुछ राज्यों में देयर शुड बी अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एक जनजातीय मंत्री होना चाहिए। उनका नाम स्पेसिफाई किया गया था, बाद में उसमें परिवर्तन भी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल भी ध्यान रखना है। तो कौन कौन से राज्य हैं इसके अंतर्गत जहां पर राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य है यानी करना ही चाहिए, प्रश्न पूछा गया नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए 2006 से जो पहले स्थिति थी उसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 94th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि 2006 में आया, बिहार को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी 94th संविधान संशोधन के द्वारा बिहार में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, वह अब इस लिस्ट से बाहर है। तो अभी कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, ये चार राज्य ऐसे हैं जहाँ पे राज्यपाल द्वारा जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार को बाहर किया गया है किस अनुच्छेद, संविधान संशोधन के द्वारा, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2006 में जो आया था। वो केवल सिंगल ईयर पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं किस राज्य में को बाहर किया गया इस लिस्ट से, तो आंसर होगा बिहार। और अभी कौन कौन है? अभी उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है जहाँ पे जनजातीय राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची ए को सूची बी से, सुमेलित कीजिए, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी करेक्टली। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है सूची ए में। देखिए दिया गया आपको आर्टिकल्स, अगेन कंफ्यूजिंग यही होते हैं सबसे ज़्यादा। आर्टिकल 178, अब यहाँ भी मिंगल कर दिया गया, इसको मिक्स कर दिया गया, क्रमबद्ध नहीं है, 73, 76 और 87, ये सभी आर्टिकल्स जो सिलेबस में है उसी से लिए गए हैं। 178 की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसका ढूंढें चार,
चार मिल गया। आर्टिकल 173 जो है ये बात करता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी कि वन आर्टिकल 173 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कहा गया है कि भारत के नागरिक होंगे, उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, और अगर विधान परिषद में जाना है तो 30 ईयर्स होना चाहिए। ये सारे प्रावधान किस में है, 173 में है। आर्टिकल 176 जो है इसका संबंध जो है राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन है ना, लेजिस्लेशन के लिए स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर परिषद है तो दोनों को, तो इसका क्या हो जाएगा, दो। और आर्टिकल 187 ये इट इज़ रिलेटेड विथ सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज थ्री। तुम्हारे उत्तर क्या मिल जाएगा, 4, 1, 2, 3, यानी कि सी ऑप्शन ये हमारा सही, जब 4, 1, 2, 3 ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाधिवक्ता का वेतन निर्धारित किया जाता है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा द्वारा या विधान मंडल द्वारा। देखिए महाधिवक्ता के बारे में हम लोग बात करें तो इनके बारे में जानकारी है आर्टिकल 165 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल द्वारा सीएम एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, ये याद रखना। इसका जो वेतन मान भी निर्धारित किया जाता है वो निर्धारित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, आंसर सही है बी ना, वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित और कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, अब तथ्यात्मक चीज़ें अपने को याद रखनी है। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो ये भी आप, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल वो थे एम अधिकारी। वर्तमान कौन है अभी, क्योंकि सरकार बहुत सारे केसेस लड़ रही है कोर्ट में, तो वर्तमान का ही पता होना चाहिए, प्रशांत सिंह, जिनको 2021 में बनाया गया है, प्रशांत सिंह ध्यान रखिएगा। वर्तमान महाधिवक्ता जो हैं वो प्रशांत सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है, ये भी अगेन आर्टिकल है और पूछा भी गया है, लास्ट ईयर भी एक आर्टिकल पूछा गया था पंचायतों से संबंधित। आर्टिकल 243 ध्यान करिए तो ये ग्राम सभा की परिभाषा बताता है, यानी डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। 243B उसके संगठन की बात करता है, कंपोजिशन की बात करता है, 243 संरचना की बात करता है, और 243D रिजर्वेशन आरक्षण, तो ये अपने को याद करने पड़ेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 243C। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है,
पंच परमेश्वर योजना की शुरुआत की गई।